दोस्त, आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो मैं हूं शुभदीप और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिश्रा जी। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, इससे क्या होगा, हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, मतलब वीडियो का जो सब्जेक्ट, सब शायद आपने देख लिया होगा कि बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड। दोस्तों, क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम जो आजकल यूट्यूब व्लॉग वगैरह में जो रिकॉर्डिंग आप लोग देखते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा DSLR में रिकॉर्डेड है। तो जिसके पास DSLR है नहीं तो वो क्या करेगा। तो एक अच्छा खासा मोबाइल है और आजकल का मोबाइल 10-12 हज़ार में जो मोबाइल कैमरा आता है काफ़ी डिसेंट है, लेकिन उसे थोड़ा मैनुअल मोड में कन्वर्ट करना की ज़रूरत है। तो इसी छोटा सा एक कोशिश मैंने किया है और जो एप्लीकेशन की यूज़ हम करेंगे उसका नाम है, मैं दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए प्ले स्टोर में जाते हैं। तो हम इसी एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है सिनेमा FV5। तो ये बहुत ही छोटा एक एप्लीकेशन है लेकिन इसका प्राइस है लगभग अभी सेल में है तो 150 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो नीचे अगर मेरे लिंक से, मतलब मेरे ज़रिए आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो कुछ नहीं, बस मुझे ₹20 एक डोनेट कर दीजिए और जो कुछ भी होगा मेरे मेल आईडी के थ्रू होगा और मैं इसका लिंक आपको दूंगा, आप ये वहाँ से डाउनलोड इजीली कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो कहीं थर्ड पार्टी से इसका जो भी वर्सन हो आप ले सकते हैं या फिर इसे आप प्ले स्टोर से भी ख़रीद सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए आप पहले मैं नॉर्मल कैमरा के बारे में दिखाता हूँ कि ये है नॉर्मल कैमरा। तो रिकॉर्डिंग मोड में क्या होता है, आप देख सकते हैं इसका क्लैरिटी, ठीक है, आपको कुछ ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिलते, बस ये फ्लैश ऑप्शन मिलते हैं और यहाँ पर कुछ स्लो मोशन टाइम लैप्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है और कुछ हाई एंड मोबाइल में थोड़ा बहुत मैनुअल सेटिंग्स का, मतलब ISO/ISO का सेटिंग्स मिलता है। तो चलिए अब इस एप्लीकेशन में हम जाते हैं जिसका नाम है सिनेमा FV5। अब देख सकते हैं ये है इस एप्लीकेशन का इंटरफेस। तो आपको मैट्रिक्स लुक दिया जाता है और सबसे बढ़िया जो बात है, आपका हर वक्त फोकस, आप कहीं पे भी रहे ये आपका पूरा का पूरा फ्रेम में फोकस आपको दिखाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं टोटल फोकसिंग है और चाहे तो आप इसे यहाँ से लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक बढ़िया फीचर है अपने हिसाब से। यहाँ से आप मीटर मूव सेट कर सकते हैं, अब फोकसिंग का बहुत सारा ऑप्शन है, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं जिससे क्या होगा, आप जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें एक DSLR का फील आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है, अब वीडियो सेटिंग्स पे अगर जाए तो कस्टम सेटिंग्स को मैं छोड़ देता हूँ। अब आइए यहाँ पर आपको 4K में मिल जाएगा, ठीक है, 4K में आपको रिकॉर्डिंग करने का मौका मिलता है और जिसका रेजोल्यूशन है 4096x2160, अब समझ सकते हैं कितना बड़ा फ्रेम ये कैप्चर कर सकता है। तो ये तो एक बहुत ही बढ़िया बात है और इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो भी आउटस्टैंडिंग है। आप अगर हेडफोन के साथ रिकॉर्डिंग करेंगे या फिर ईयरफोन या माइक के साथ तो इसका जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो लाजवाब आएगा। तो ये तो रहा कुछ और सेटिंग्स वगैरह, इंक्लूड ऑडियो ट्रैक वगैरह आप सब कुछ इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ये तो अलग बात है। और जनरल सेटिंग्स पे आपको फोकस बिफोर कैप्चरिंग और एक ऑप्शन दिया जाता है कि अलाउ कैप्चरिंग वीडियोस विदाउट फोकस, मतलब इसका एक बढ़िया फीचर्स है, अगर फ्रेम कैप्चर मतलब फोकस में जो सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं अगर फोकस नहीं रहेगा तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। तो इस बात का कोई टेंशन नहीं कि मेरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो बिना फोकस के हो रहा है, तो इसका डर बिल्कुल निकाल दीजिए। और इसमें मेनू का भी ऑप्शन है, ये दोनों मैं करके रखा है, एक मीटर दिया है मैंने जो RGB का है, ठीक है, और RGB मतलब रेड ग्रीन और ब्लू का जो सेटिंग्स होता है कलर में, और उसके साथ आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, ये तो अलग बात है। तो चलिए इसको एक बार ट्राई करके देखिए, मुझे आई थिंक अगर आप मोबाइल से छोटा मोटा फिल्म मेकिंग के काम, मतलब जो फीचर फिल्म शॉर्ट फिल्म होते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है और आपके पास थोड़ा बहुत अच्छा मोबाइल हो तो
तो सैमसंग के कैमरा हो तो बहुत बढ़िया है, नोकिया के कैमरा तो बहुत बढ़िया, या फिर कोई भी इस एप्लीकेशन देखिए, कैमरा तो आपका फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कैमरा ही रहेगा, लेकिन उसका तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कुछ मैनुअल कंट्रोल के साथ आप अपना जो फोटो क्वालिटी है, जो इमेज क्वालिटी है, जो स्मूथनेस है, वो बहुत ही बढ़िया आएगा। आई थिंक ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और हाँ अगर मेरे से परचेज करना चाहते हैं तो मेरे जो इंक्वायरी बिजनेस इंक्वायरी ईमेल दिया गया है technicalmishra@gmail.com, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। थैंक यू दोस्तों।